हेलो एवरी वन सो कोमल शर्मा दिस साइड एंड हेयर आई वेलकम यू ऑल एट योर ओन गार्गी क्लासेज अ प्लेस वेर यू कैन ईजीली गेट ऑल द इन्फॉर्मेश्स रेलिवेंट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो आज मैं उन सारी विकैबलरीज़ के साथ हूँ जो कि थर्टीन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन को आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस पर डिस्कस की गई थी सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंड फॉर्मोस्ट वर्ड सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव हेयर इज री व्यरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब हम टायर्ड होते हैं थके हुए होते हैं दैट टाइम यूज दिस वर्ड वेरी सो वेरी के सिनोनिम्स क्या हो गए टायर्ड वॉर्न आउट एंड स्लीपी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वन हैज़ बीन डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम जब हम एक पर्टिकुलर काम बहुत लंबे टाइम से करते हैं ठीक है एफर्ट्स uh, कर रहे होता है फिजिकल हार्डवर्क कर रहे होते हैं और हम थक जाते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे वेअरी uh, तो सेंटेंस इसका कुछ इस तरीके से है आई हैव फॉट हेम टू थर ने एंड नाउ आई एम जस्ट टायर्ड एंड वेरी तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि आई हैव फॉट हिम कि मैं उससे बहुत टाइम से लड़ रही थी विद एवरी बेट एफर्ट हर एक एफर्ट के साथ ठीक है झील के साथ में उसे लड़ रही थी बट नाउ आई एम टायर्ड एंड वरी एंड नॉट इन कंडीशन टू फाइड विद हिम मोर सो दिस इज दर्ड वियरी नेक्स्ट वी हैव हियर इज एग्जैक्टली दिस इज एन एडियम और अ फ्रीज सो शॉर्ट शिफ्ट शॉर्ट शिफ्ट का मतलब हो गया स्मॉल पोर्शन और नो पिट्टी मतलब जब हम किसी को, को किसी तरीके की इमोशंस नहीं बयां करते हैं ठीक है uh, हम पिटी शो नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम शॉर्ट शिफ्ट का uh, जो इडियम हाउस का यूज़ करेंगे सो so, uh, इसका मतलब क्या हुआ रैपिड एंड अनसिम्पथिक डिसमस डिसमिसल जब हम किसी को अनसम्पथिक तरीके से ठीक है अनसम्पथिक तरीके से किसी को डिनाई करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रैपिडली ठीक है तो वहाँ पे ये ई यूज़ होती है शॉर्ट शिफ्ट या फिर लिटिल टाइम बिटवीन कंड कंडेशन एंड पनिशमेंट जब हम किसी को फटकारते हैं डांटते हैं और पनिशमेंट के बीच में मतलब डिस्कशन और कॉन्क्लूजन के बीच में जब कोई गैप नहीं होता है तब हम हम वहाँ पे ये ई यूज़ करेंगे शॉर्ट शिफ्ट फॉर एग्जाम्पल द जज गेव शॉर्ट शिफ्ट टू एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द राइट टू फ्री स्पीच मतलब एक आर्गुमेंट चल रहा होता है ठीक है उस आर्गुमेंट उसी आर्गुमेंट के बेसिस पर जल्दी सी विदाउट टेकिंग मच टाइम जज ने अपना जो भी है डिसीजन है वो पास कर दिया ऑन राइट टू फ्री स्पीच तो जब हम डिस्कशन और कंक्लूजन में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेते और जल्दी से हम हमारा डिसीजन सुना देते हैं वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं शॉर्ट शिफ्ट ये इडियम है बेसिकली नेक्स्ट वर्ड ये सॉरी नेक्स्ट वर्ड हेयर वी हैव इज मिलिया मिल्यो का मतलब होता है इट्स मिलिया ठीक है मिलियो का मतलब होता है इन्वामेंट बैकग्राउंड या सेटिंग ठीक है जिस एरिया में या जिस इन्वायरमेंट में जिस बैकग्राउंड में जिस सेटिंग में हम रहते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं मिलिया तो इसका मतलब क्या हो गया सोशल इन्वामेंट दैट यू लिव और इन वर्क एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट बैकग्राउंड या सराउंडिंग जो आपके चारों तरफ होती है जहाँ पे आप रहते हैं और काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल द वैली हैज़ अ मिलियर ऑफ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग विद सराउंड्स द एंटरप्रेन्योर्स तो यहाँ पे जो वैली है वो सराउंडेड um, है विद द एंड रिस्क टेकिंग द ऑन्टरप्रीनियोर्स सो दिस इज़ वर्ड मिलियर अनदर सेट ऑफ वर्ड्स हेयर वी हैव एज गैग ऑर्डर गैग ऑर्डर का मतलब क्या होता है गैग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है टिपिकली अ लीगल ऑर्डर बाई अ कोर्ट और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टिंग इंफॉर्मेशन और कमेंट फ्राम बींग मेड पब्लिक और पासड ऑन टू एनी अनऑथोराइज थर्ड पार्टी मतलब एक ऐसा ऑर्डर होता, होता है एक ऐसा लीगल ऑर्डर होता है कोर्ट का और गवर्नमेंट का जहाँ पे वो एक ऐसी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो जो कमेंट या फिर वो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए विदाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ द कोर्ट और द गवर्नमेंट जब तक वो लीगल नहीं होता तो जब कोई आ, मतलब इलीगल कोई भी कॉमेंट होता है इ कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे पब्लिक पब्लिक होने से रोकना रिस्ट्रिक्ट करना इज गैग ऑर्डर ठीक है नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज नेट नेट बेसिकली हम बोल सकते हैं दीज आर द ऑफ द स्मॉल इंसेक्ट जिसको हम लाउस बोलते हैं बेसिकली दैट लिव्स इन द हेयर ऑफ पीपल्स और एनिमल्स पीपल्स और एनिमल्स के हेयर में जो एक इंसेक्ट होता है जिसको लाउस बोलते हैं लाइसपिया बोल सकते हैं सो so, लाउस जिसको बोलते हैं उसके एग को बोला जाता है नेट ठीक है अगर हम इसको इन uh, आर हिंदी लैंग्वेज अगर हम इसको बोलते हैं लाउस को तो हम बोल सकते हैं इसको जू जो कि हेयर्स में ह्यूमन बींग्स के हेयर्स में और एनिमल्स के हेयर्स में यूजली मिलती है और इसकी एग को नेट बोला जाता है नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वो वो का मतलब होता है चेज़ परस्यू और रन आफ्टर जब हम किसी को कोट करते हैं या किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी को परस्यू करते हैं तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है वो ठीक है सो uh, so इसका मतलब क्या हो गया सीक द फेवर जब हमें किस हमें किसी का फेवर लेना होता है दैन वी ट्राई टू वू एन सपोर्ट और कस्टम ऑफ जब हमें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है किसी से हम कोट करना चाहते हैं इंगेजमेंट करना चाहते हैं बेसिकली तो वहाँ पर होता है वर्ड वो यूज़ सो फॉर एग्जाम्पल द स्टोर हैड अ सेल इन एन एफर्ट टू वो न्यू कस्टमर्स मतलब नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी सेल बढ़ाने के लिए जो स्टोर है उसने सेल का सेल को ऑर्गेनाइज किया है तो ये वर्ड हो गया वो अनादर वर्ड एज़ वाइसरल वाइसरल के सनानम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं इमोशनल एंड वर्ड डीप डाउन ठीक है इमोशनल इन्वॉल डीप डाउन स्ट्रोंगेस्ट फीलिंग्स ठीक है दीज आर कॉज बाय स्ट्रांग फीलिंग्स एंड नॉट केयरफुल थॉट्स जब कोई ऑल ऑफ सडन हमें एक स्ट्रांग फीलिंग आती है जो जो बिना सोचे समझे हम उस एक्ट कर जाते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है वाइसरल ये बेसिकली इंटेक्चुअल नहीं होता है क्योंकि इंटेलैक्चुअल का मतलब हो गया कि हम जब चीज़ को आ, सोच समझ के करते हैं उसके प्रोजन कॉन्स को अलग करके जब हम कोई एक्ट करते हैं तो वहाँ पे चीज़ इंटलेक्चुलाइज हो जाती है बट जहाँ पे इंटलेक्चुअल चीज़ें नहीं होती है बिना सोचे समझे एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से हम कोई सडन एक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे वाइसरल

सो कोजी वर्ड होता है कम्फर्टेबल वार्म एंड फ्रेंडली सो इसका मतलब क्या हो गया मेक समन फील कॉम्फर्टेबल और कॉम्प्लेसेंट जब हम किसी को कम्फर्टेबल फील कराते हैं कॉम्प्लेसेंट फील कराते हैं फ्रेंडली फ़ील कराते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कोजी सो द लेदर सोफाज इन द लाउंज आर कोजी जब हम किसी एक ऐसे सोफे पे बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है हमें ईज दे रहा है हमें सूट कर रहा है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं